तो गाइस अभी हम लोग राजस्थान में ही है, पंजाब नहीं है। हम लोग को लग रहा था पंजाब आ गया, बट पंजाब नहीं आया है। इधर अच्छे अच्छे ढाबे भी बहुत कम है, बहुत ही कम ढाबे। मतलब अगर आप ये रास्ता प्रेफर कर रहे हो तो ये थोड़ा प्रिपेयर रहना। बहुत ही नींद आ रही है क्योंकि दो दिन में सिर्फ मैं 5 घंटे सोया हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। इट्स योर ट्रैवल विद डीसी और आज हमारा व्लॉग शुरू हो रहा है बीकानेर टू अमृतसर। आज हम लोग बीकानेर से अमृतसर डायरेक्ट जाने वाले हैं। 10 आवर्स की राइड है, 550 किलोमीटर्स हैं। सो ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द पहुँचे क्योंकि दोपहर को गर्मी बहुत ही लगने वाली है। पंजाब में गर्मी और भी ज़्यादा है राजस्थान से। सो स्टे ट्यून विद द व्लॉग और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि लास्ट व्लॉग कैसा था एंड ये वाला व्लॉग भी कैसा है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बीकानेर, द सिटी ऑफ हवेलीज, जो मैंने पढ़ा गूगल करके। सच बोलूँगा, इतना भी नॉलेज नहीं था मुझे। सो बहुत ही अच्छी जगह थी, इधर के लोग भी बहुत अच्छे हैं। वो भैया मिले, उन वो अगर व्लॉग देख रहे हैं तो उनको थैंक यू, क्योंकि जगह हम लोग जो होटल में रहे, मधुरम होटल, गेस्ट हाउस था, होटल नहीं बोल सकते उसको, बट वर्थ था एक दिन के लिए। हम लोगों ने नॉन एसी रूम लिया था बट कूलर था तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। सो अभी डायरेक्ट हमारा आज का हॉल्ट होगा अमृतसर। अमृतसर ही पहुँचना है, 9 घंटे बता रहा है आज। और लेट्स सी कहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं। हम लोग ये फोर्ट के पास, बहुत ही अलग दिख रहा है ये फोर्ट। तो हम लोगों ने बोला कि चलो सुबह सुबह कोई है ही नहीं पब्लिक, तो अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं। 5 बजे निकलने का फ़ायदा यही होता है कि अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक हो जाते हैं ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी जगह पे। सो अभी जा रहे हैं डायरेक्ट हाईवे पे, गंगानगर पहला स्टॉप लेने का सोचा है क्योंकि उधर हम लोग को सेडल प्लेट डलानी है पीछे लगेज के लिए। सो लेट्स सी उधर मिलती है कि नहीं। गाइस, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ राजस्थान। उधर रेलवे ट्रैक एंड ये पूरा जंगल एंड उधर से दिख रहा है मून, अमेजिंग। बस तभी थोड़ी देर पहले एक छोटा सा 5 मिनट का हॉल लिया था, मूंगू धो लिया और पानी भी लिया एंड वापस निकल पड़े हम लोग श्री गंगानगर जाने के लिए। सो यस गाइस, एंटर्ड पंजाब। पंजाब हम लोग एंटर कर चुके हैं एंड बस इधर से गंगानगर कुछ रह गया है 150 किलोमीटर, वो कंप्लीट हो जाएगा 1 आवर 30 मिनट्स में। तो गाइस अभी हम लोग राजस्थान में ही है, पंजाब नहीं है। हम लोग को लग रहा था पंजाब आ गया बट पंजाब नहीं आया है। तो हम लोग चाइना रास्ता करने में गंगानगर आई थिंक अभी भी 100 किलोमीटर है और हमको 2 घंटे का रास्ता बता रहा है क्योंकि रास्ते ख़राब है शायद। सो देखते रहो व्लॉग आगे। चेन लूप करने के लिए खड़े थे क्योंकि 1000 किलोमीटर्स होने हैं हमारे, तो 500 किलोमीटर पर मैं चेन लूप करता हूँ। ट्रैफिक हो गया ये ब्रिज की वजह से और ये ट्रैफिक खुल भी गया। ट्रक्स है ना इधर, पंजाब के साइड ट्रक्स आपको बहुत मिलेगी तो उसके वजह से ट्रैफिक हो जाता है एंड इतना सारी चीज़ें लेके तो वो हार्ड हो जाता है पूरा ट्रैफिक टैकल करना। सो हेलो एवरीवन, हम लोग गंगानगर पहुंच गए एंड रास्ता इधर का रास्ता ख़राब नहीं था बट रास्ते पे धूल इतनी है कि पूरा हेलमेट ऐसे 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 हवा चल रही थी तो ऐसे ऐसे हो रहा था, तो वो इरीटेटिंग था। एंड सुबह के हम लोग 5 बजे से निकले, हम लोग अभी 10 बजे इधर पहुँचे तो वो भी थोड़ा इरिटेटिंग लगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत है, ट्रक का ट्रैफिक बहुत है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं इधर। एंड इधर अच्छे अच्छे ढाबे भी बहुत कम है, बहुत ही कम ढाबे। मतलब अगर आप ये रास्ता प्रेफर कर रहे हो तो ये थोड़ा प्रिपेयर रहना एंड पेट्रोल भी फुली रखना क्योंकि इधर बहुत ही लंबे लंबे इंटरवल्स पर ही पेट्रोल पम्प आते हैं, तो वो एक चीज़ है। हम लोग अभी इधर से डायरेक्ट अमृतसर जा रहे हैं। अमृतसर जाके जाने से पहले इधर से अमृतसर कुछ है 300 किलोमीटर, तो हमको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे उसको जाने के लिए और हम लोग हॉल्ट लेंगे बीच बीच में तो फिर 5 घंटे। सो अभी एक अच्छे से ढाबे पे रुकते हैं, उधर एक अच्छा सा हॉल्ट लेंगे हम लोग 1.5 घंटे का, देन निकलते हैं ठीक है। फर्स्ट हम लोग को एक बहुत मेहनत के बाद
एक नींबू जूस वाला मिला जो पूरे रास्ते हम लोग ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने नींबू जीरा सोडा जैसा कुछ बना के दिया जो बहुत ही टेस्टी था एंड बहुत ही एनर्जेटिक था। अब एकदम वापस से वो एनर्जी वापस आ रही क्योंकि रास्ते बहुत ख़राब थे, वैसे पूरे एग्जॉस्ट हो चुके थे, बट नो वे वो पी के बहुत अच्छा लगा। सो गाइस द मोस्ट हेक्टिक डे इन दिस ऑल थ्री डेज, सबसे हेक्टिक दिन था ये क्योंकि पता नहीं कहाँ रास्ते कैसे रास्ते क्या कुछ भी मतलब थक गए। अभी भी हम लोग को अमृतसर 5-4 घंटे बता रहे हैं जबकि हमने गंगानगर पास कर लिया। और वो अमृतसर है खाली 220 किलोमीटर फ्रॉम हियर, फिर भी आई डोंट नो क्यों क्या कैसे, बट चलो कोई नहीं। सो गाइस ये सभी हम लोग रुक गए और 1 घंटे का होल्ड हमने लिया है। एक ढाबा है इधर, अच्छा ढाबा है, हम लोग ने परोठे खाए एंड होल्ड लिया क्योंकि बहुत ही थक गए थे गांव के रास्ते में। बाई गॉड बहुत ही ख़राब थी जैसे मैंने बोला पहले भी, बट अच्छा है, एक अच्छा सा स्टॉप लिया। बहुत ही नींद आ रही क्योंकि दो दिन में सिर्फ मैं 5 घंटे सोया हूँ और बाकी नहीं, और इतने रहे मतलब 1000+ किलोमीटर। आज हम लोग अमृतसर पहुँचेंगे मतलब 1300 किलोमीटर हो जाएंगे। सो आज थोड़ा जाके आराम करेंगे अमृतसर में, फिर कल घूमने निकलेंगे। देखते हैं, अगर आज गोल्डन टेम्पल हुआ तो आज गोल्डन टेम्पल भी कर लेते, घूमने निकले तो कोई गुंजाइश नहीं। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप लोग आ रहे हो तो इधर बहुत सारे ढाबे हैं, बाहर से देख के जज मत करना कि अच्छी जगह नहीं है ये वो, अच्छी ही जगह है सारी, इधर सारे ढाबे अच्छे हैं। और कुछ आपको दिख जाएंगे कि नहीं है, बट बाकी तो जितने भी मुझे दिखे हैं सारे अच्छे हैं। हम लोग ने पहले बोला कि चलो अभी नहीं करते, अभी नहीं करके करके हम लोग बहुत लेट आए, बट देन बहुत आगे निकल गए ना, उसके बाद हुआ कि अभी तो कोई ढाबा ही नहीं आ रहा। फिर वो एक नींबू जीरा वाले अंकल मिल गए तो उनके ऐसे नींबू जीरा पिया तो कुछ अच्छा लगा। और फिर हम लोग गांव के रास्ते जा रहे थे तो हमारी पीछे की बैग का जो पैकिंग है वो खुल गया, तो वापस वो पैकिंग निकाला वापस डाला तो हाफ एन आवर उसमें लग गया। आज का दिन सच में बहुत हेक्टिक है, पर कोई नहीं, अगर घूमने आए ले आया है तो ये सब नहीं किया तो क्या किया। अभी निकल रहे हैं, बहुत ही अच्छी होटल थी। अगर आप लोग गंगानगर से रास्ते वाले से आ रहे हो तो ये होटल आपको पेट्रोल पंप ये भारत पेट्रोल में उसके सामने ही दिख जाएगी। सो इनका खाना भी बहुत टेस्टी है और अंकल भी बहुत स्वीट है। तो अब आओ इधर, आपका मेहमान नवाजी भी अच्छे से होगी, और वैसे भी आप पंजाब में हो तो ऑब्वियस है कि मेहमान नवाजी अच्छे से ही होती है। राजस्थान जब ख़त्म मतलब एंड होना है तब से देख रहा हूँ पंजाब में भी, आई थिंक इसके अंदर जो सूखी हुई घास होती है ना वो है, ये ग्रास होती है जो सूखी हुई वो इसके अंदर है। बट ये लोडेड कैसी है, खाली कितनी लोडेड है, 44 डिग्री हियर एंड वो चलाना बाइक बहुत मुश्किल हो रहा है। हर 15-20 मिनट पे हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक मतलब ऐसे 2 मिनट का एक ब्रेक, ऐसे पानी पी रहे हैं इधर, ऐसे जो कूलर्स होते हैं हर पेट्रोल पंप पे उधर, क्योंकि बहुत ही गर्मी है बहुत ही धूप है, सो डिहाइड्रेटेड हो ना जाए उसके लिए। अभी मैंने पानी पिया, अभी निकल रहे हैं अमृतसर के लिए। अमृतसर अब बचा है कुछ 90 किलोमीटर बस, और 2 घंटे हैं उसके, तो देखते हैं ये रास्ता कैसा है। गूगल के साथ एक टाई अप है, आपको नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ कि जैसे शाम होती है ना गूगल हमको गांव में लेके आता है कि हाँ बेटा तू इधर से निकला। तो सबका बाप जो मैं बता रहा था ना, ये उन सबका बाप है, इतना तो क्या भर के। और ये देखो सब गिरा भी रहा है नीचे यार, इसके आगे निकलना पड़ेगा कहीं से भी कैसे भी, तो ही कुछ हो पाएगा। रॉयल एनफील्ड का शोरूम दिखा एंड मैं रुक गया और मैंने बाइक के एक जनरल चेकअप करा दिया कि प्रॉब्लम ना है। 500 लिए वो लोग ने, बट चेकअप A1 किया है, बाइक एकदम स्मूथ हो गई क्योंकि बाइक का 1300 किलोमीटर हो गया था एंड हम लोग को अभी पहाड़ चढ़ना था और ऊपर जाके प्रॉब्लम हो उससे अच्छा नीचे ही बता देते। तो वो लोग ने सारे जो भी एरिया को लूप कर दिया, चेन लूप भी कर दिया, चेन को टाइटनिंग भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। सो
थम्स अप टू अमृतसर रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर एंड दे आर वेरी पोलाइट। मतलब एक चीज़ मैंने देखी कि राइडर्स को बहुत ही इज्जत मिलती है, बहुत ही जगह पर बहुत लोग देते हैं। लाइक हम लोग को होटल भी अभी यही एक रॉयल एनफील्ड भैया थे उन्होंने करके दी। सो उनका नाम राहुल भैया है। सो अभी मैप लगा दिया है, हम लोग जा रहे हैं होटल पे। तो डायरेक्ट होटल पे मिलते हैं, आज का ब्लॉग वहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है? चलो बाय बाय। दिस ब्यूटी, उसके लिए अब समझा मैं कि अमृतसर लोग क्यों बोलते हैं कि जाना चाहिए। द रीज़न इज दिस मैन, ऑसम ऑसम मैन ऑसम। होटल कितनी मस्त जगह पे ली है, आप खाली देखो। मतलब होटल का भी आदमी रास्ते भूल गया, हम लोग ऐसी भूल भुलैया की जगह पे हमको होटल मिली है। होटल नो डाउट अच्छी है, मैं चल के अभी देखने गया था और नहीं नहीं तो मैंने 3 किलोमीटर चल लिया। हाँ आराम से सामने ही है ना भैया, सामने ही है ना। बस हम आ तो गए इधर, अभी होटल ढूंढना रह गया है बस। तो गाइस आप जैसे देख ही रहे हो कि हम लोग ना होटल जगह पे ली है। तो हेलो गाइस, इट्स डे 4 और आज हम लोग अमृतसर में। मैं कल व्लॉग एंड नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ही थक गया था, बहुत एग्जॉस्टेड था, तो मैंने बोला कि चलो कल ही कर दूंगा सुबह। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू एंजॉय द व्लॉग। कल के रास्ते जो बीकानेर से अमृतसर के हैं, गंगानगर तक ठीक है बट उधर सैंडस्टॉर्म बहुत आता है एंड गंगानगर के बाद रास्ते बहुत ख़राब है। और गांव के अंदर से निकलते तो और भी ख़राब है। लाइक हम लोग को 12 घंटे लगे बीकानेर टू अमृतसर आने में, तो बहुत ही थकान हो गई थी और कल धूप भी बहुत थी। दैट्स व्हाई एंड सेकेंड थिंग, आज हम लोग जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल, जो ब्लॉग आएगा डे 4 का। तो अगर आपको वो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं कब डालता हूँ आपको पता चल जाएगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपना मोटो मत भूलना, एवरी गर्ल कैन राइट। एंड हमारा इनिशिएटिव है गो ग्रीन इंडिया, हम लोग को जितने हो सके उतने ट्री प्लांट करना है, स्पेशली यंगस्टर के अंदर ये मैसेज फैलाना है कि ट्री प्लांट करो, नेचर को बचाओ। क्योंकि जो भी ये हम लोग को धूप अभी हम लोग जो आ रहे थे वो पड़ी है, वो नेचर की वजह से हुआ कि इतने ट्रीज प्लांट नहीं थे। हम लोग कितनी जगह पर ऐसा हो रहा था हमको रुकना है बट ट्रीज नहीं थे वो जगह पे। मतलब पंजाब में ग्रीनरी बहुत है बट कितनी जगह पर ऐसा था कि ट्रीज नहीं थे, शेड नहीं था, तो हम खड़े नहीं रह पा रहे थे बाइक को रख के। सो ट्री प्लांट करो एंड ब्लॉग देखते रहो। बाय बाय।